आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे नहीं पढ़ रहे तो वर्क बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑनलाइन मिलेगा आपको ट्राई करना आपका बैच जेन रक्षा की हमें एक छुट्टी मिली थी बेस्ट बैच दी बेस्ट फैकल्टी टॉप नॉच नमस्ते आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे नहीं पढ़ रहे तो वर्क तो आज की वीडियो ऐसे तो आपने टाइटल देख लिया होगा वाजी राम रवि के बारे में है एंड आई नो आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं अगर वाजी राम रवि की बात आती है उसके बारे में जानने की बात आती है तो इट्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट इट प्रोवाइड्स राइट ए आई आरस हों पास के टॉपर्स हों या फिर टॉप फिफ्टी टॉप हंड्रेड रैंकर्स हो बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल आर फ्रॉम वाजी राम रवि एंड आई नो इस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हैं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट Everything regarding Vajiram and Ravi's course. Let's start। तो पहली चीज आती है जहाँ पे लोग पूछते हैं यार प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करने का है ना हमें अगर एडमिशन लेना है वाजिर राम रवि में तो कैसे तो भाई ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो कोई फिजिकली जाने की लोड नहीं है न्यू दिल्ली में मत जाना सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा आपको उनका आप वेबसाइट पर जाएंगे देट दे यू नो कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा सिंपल सीधा साधा काम होगा वहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है आपने रजिस्टर किया अपना स्लॉट चूज किया कि आपको क्या स्लॉट चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या टाइमिंग्स चाहिए उस हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम होगा ये नहीं कि बाद वाला को पहले स्लॉट मिल जाएगा आपकी प्रेफरेंसेस उसी हिसाब से होंगी सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलने वाला है इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना ठीक है आपने अपना सेलेक्ट करा थोड़ी देर के बाद कुछ दिन के बाद आपको आ जाएगा कि हाँ जी आप रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली इस दिन तक आपने अपनी फीस भर देनी है फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको तो जैसे ही आप वो फीस कर दोगे पे कर दोगे वो भी ऑनलाइन होगी उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं है नेट बैंकिंग यूपीआई डेबिट क्रेडिट जो दिल करे वैसे कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जैसे ही आप पे कर दोगे आपको आ जाएगा कि हाँ जी इस दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं ऐसे है वगैरह वगैरह एवरीथिंग इज ऑनलाइन डोंट वरी अबाउट इट करेक्ट उसके बाद बात जहाँ तक फीस की आ गई तो फीस का सुन लेते हैं दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शनल सी सेट सब बता दूंगा ऑफलाइन क्लेट वन पॉइंट सेवन फाइव लाख रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑनलाइन फाइव फाइव लैक ऑप्शनल आप सेलेक्ट करते हो अगर वो पाँच महीने का होता है दैट इज़ फॉर फिफ्टी फोर थाउजेंड आई थिंक सो या फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड जहाँ पे सी सैट की बात आएगी इट्स फॉर फोरटीन वीक्स विच इंक्लूड्स थ्री डेज अ वीक वाली क्लास दैट इज़ फॉर एटीन थाउजेंड रुपीज़ अगर आप एस ए का देखते हैं तो उसके कोर्सेज थोड़े से लेट भी शुरू होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली टेन थाउजेंड रुपीज़ के लिए होते हैं करेक्ट उसके बाद क्या सीन होता है कि बैचेस का बहुत होता है कि आप कौन से मंथ वाले बैचेस और कौन सी टाइमिंग वाली आपकी क्लासेस के बैचेस देखते हैं मंथ में इनका जैन से के एंड फेब तक शुरू हो जाता है उसके बाद मंथली आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैचेस स्टार्ट होते हैं डेट्स के भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं जैसे मेरा था ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी आई एम एन एक्स वाजिर अहमद रवि स्टूडेंट मेरा बैच ट्वेंटी ट्वेंटी टू टिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चला है मेरा जुलाई वाला बैच था तो इस वजह से एक चीज़ आप सबको बहुत ध्यान से बोल सुना रहा हूँ सजेस्ट कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि ट्राई करना आपका बैच जैन इंडिया फेब वाला हो उसका क्या सीन होता है ताकि आपका जितना भी कोर्स होता है कंप्लीट वो दिसंबर से पहले हो जाए और उसके बाद मिनिमम फोर फाइव मंथ्स आपको रिविजन के लिए मिले जो कि प्री से पहले मिल जाए मेरे को वो नहीं मिला था ये भी एक रीज़न था कि मैंने इस साल पेपर ना देना ही सही समझा बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट वैसे तो कोई कभी भी रेडी नहीं होता दे देना चाहिए बट मेरे को पता था कि अगर प्री हो भी जाएगा तो मीन्स नहीं हो पाएगा आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ठीक है देन द थिंग इज कितने ड्यूरेशन के बैचेस होते हैं किस तरीके के होते हैं तो दो तरीके के तो हैं यार नाइन टू टेन मंथ जिसको टेन मंथ का बैच कहते हैं और एक होता है टू ईयर जिसमें ट्वेंटी मंथ्स का बैच होता है करेक्ट ट्वेंटी मंथ्स वाले बैच की जो फीस होगी दैट इज टू पॉइंट फोर फाइव लाख रुपीज फीस की सिस्टम ये है आपको वन टाइम में पे करना है इंस्टॉलमेंट्स वाला नहीं था रिक्वेस्ट कर सको तो देट समथिंग डिफरेंट बट इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं था हमारे बैच में तो नहीं था ठीक है तो वही वो एक बार आप रिक्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हो बट आई डोंट थिंक सो ही है और ना ही था ना ही अभी मेरे हिसाब से आगे होने वाला है तो आप नाइन टू टेन मंथ वाला बैच लेते हो तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया किस तरीके से लेना और अगर ट्वेंटी मंथ्स का लेना है वो तब लो जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तब आराम से ले लेना करेक्ट उसके बाद टाइमिंग्स क्या होते हैं क्लासेस की मेरा जो बैच था दैट वॉज फ्रॉम सेवन थर्टी टिल टेन टू एंड हाफ आवर्स की क्लासेज होती हैं इसकी हो ऑप्शनल की हो कैसे भी हो टू एंड हाफ आवर्स की आपकी क्लासेज रहेंगी कोई संडे सैटरडे कोई ऑफ नहीं मिलता छुट्टियाँ आदि रामन रवि बहुत कम देगा बहुत कम रक्षाबंधन की हमें एक छुट्टी मिली थी तो तुम इस तरीके से हिसाब लगा लो दिवाली की होली की एक दो मैक्सिमम मिलेंगी आपको छुट्टियाँ तो जो तो दूर से आ रहे हैं वो नहीं जा सकते छोड़ के वो नहीं जा पाएंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो टाइमिंग सेवन थर्टी से चलती है टू एंड हाफ आवर्स की होती है डिफरेंट बैचेस होंगे आपके ग्यारह बजे का बैच होगा टिल रात के बजे तक के बैचेस आपके आराम से चलते रहते हैं मेरी खुद की प्रेफरेंस अगर मानोगे तो अगर तुम तो मॉर्निंग पर्सन हो तो तो 730 ले लो दी बेस्ट बैच दी बेस्ट लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है मतलब अगर आप सात बजे साढ़े छः बजे वाले उठने वाले हो तो मत लेना क्योंकि आपको अगली क्लास का रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने रिवाइज नहीं किया फिर कोई फायदा नहीं है जल्दी उठने का भी कोई फायदा नहीं है तो अब इलेवन वाला बैच पक्का ऑप्ट कर सकते हैं ताकि आप रिविजन को टाइम दे सकें ठीक है जी नेक्स्ट थिंग इज कि क्लासेस कैसी हैं सब जानना चाहते होंगे ना फैकल्टी भी कई लोग कह रहे थे चेंज होगी कुछ होगा क्या होगा मैं सीधी बात आता हूँ फैकल्टी टॉप नॉच है एक्सपीरियंस हो या फिर उनकी नॉलेज हो जो भी है बहुत बढ़िया है खुद पढ़ाऊँ तब बता सकता हूँ ऐसे ही इधर उधर से नहीं बता रहा कि किसी से पूछ ले खुद पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा यार एक दो टीचर्स तो आपको ऑब्वियसली लगेंगे ऐसे कि यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ है ये है वो है अगर इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में तो, तो मज़ा आना ही है बिल्कुल भी ना हो अब किसी का तो फिर तो थोड़े ही दिक्कत वाला काम है लेकिन आप कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अच्छा है इसकी टीचिंग का बहुत डिफरेंट तरीका है वाजीराम का जैसे कि बाकी जो अपने होते हैं इंस्टीट्यूट्स वो अगर कोई एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया सपोज करो मॉडर्न हिस्ट्री आपने ले लिया तो आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को एक साथ कंप्लीट करते हैं वाजीराम का वो सीन नहीं है यहाँ पर मोर देन अराउंड थर्टी ईर्यस थर्टी वो हैं टीचर्स हैं तो यहाँ पे क्या सीन होता है एक सब्जेक्ट के भी आपके तीन तीन चार चार टीचर्स होंगे जैसे ज्योग्रफी के तीन चार टीचर्स हैं पॉलिटी के तीन चार टीचर्स हैं इस तरीके से आपका काम चलेगा तो सपोज आज आपका ज्योग्राफी का था क्लास कल आपकी पॉलिटी की हो सकती है फिर आपकी एथिक्स की हो सकती है फिर आपकी इकोनॉमिक्स की हो सकती है फिर एनवायरमेंट की हो सकती है उसमें भी सपोज करो कि पहला आपका कोई एथिक्स का कोई एक सर थे ए सर ए थे उसके बाद वापस एथिक्स की क्लास आ रही है पर सर बी हो सकते हैं तो ये चीज़ बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है लेकिन इसी का आप फायदा उठा सकते हो वाजी राम ने रखा है तो किसी पर्पज से रखा होगा फायदा ऐसे होता है कि सपोज आज आपकी सर ए की क्लास थी अब इनकी क्लास अगले हफ्ते जाके है पूरा स्केड्यूल दे देते हैं हर वीक का ये लोग वीक के स्टार्टिंग में अगले ए में है अगले मतलब अगले हफ्ते में ए सर की क्लास है तो उस क्लास से पहले आपको पिछला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो आपको सही से समझ नहीं आएगा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एज वेल एज दिक्कत वाली बात है अगर तो रिवीजन है तो बेनिफिशियल है वो क्यों क्योंकि आपके प्रोग्राम और कोर्स के एंड होते होते यू विल बी एबल टू रिवाइज योर होल सिलेबस थ्राइस अगर आप इस तरीके से चलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाउट्स बच्चों को ये भी होगा मन में हमें भी था भाई तीन सौ चार सौ बच्चे की क्लास है डाउट्स होंगे नहीं होंगे डाउट सिर्फ और सिर्फ एक सर्कमस्टांस में आपके क्लियर नहीं होंगे जब आप पूछोगे नहीं अगर आपने अपना डाउट आगे रखा है तो वो डाउट क्लियर होगा हंड्रेड परसेंट इट इज बोथ फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों के डाउट्स क्लियर होंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें ठीक है देन स्टडी मटेरियल मटीरियल आपको येलो बुक्स देता है एक बुक होगी उसमें ग्रीन वो होती है एनवायरमेंट की पर हम उन्हें येलो बुक्स बोलते हैं बहुत अच्छी बुक्स हैं आप या तो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स रख लो या आप अपनी येलो बुक्स रख लो लेकिन क्या होता है कि जो टीचर होंगे ना आपके हमें जो भी टीचर की फर्स्ट क्लास होगी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी वो अपने सब्जेक्ट के जो भी उनको टॉपिक्स मिले होते हैं जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी के तीन टीचर्स टीचर सपोज किसी को ह्यूमन ज्योग्राफी मिला है किसी को दूसरे अपना वर्ल्ड जोग्राफी मिले जो भी मिला हो वैसे मिला हुआ तो वो अपने टॉपिक्स को बहुत प्रॉपरली आपको बताएंगे एक रोड मैप दे देंगे कि यहाँ से ये ये रिसोर्सेज होने चाहिए आपके इस तरीके से आपने पढ़ना सपोज आप कर लो मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया तो सर बताएंगे सबसे पहले आपने मेरे नोट्स पढ़ने हैं उसके बाद हैंड आउट्स टीचर्स आपको एक हैंड आउट्स देते हैं अपने ही बने हुए कुछ नोट्स पहले क्लास नोट्स फिर हैंड आउट्स फिर कोई रेफरेंस बुक दे देंगे विद एनसीआर टी एग्जाम्पल है तो आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आपने किस तरीके से करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी येलो बुक्स जो इनकी रिसोर्सेज हैं अच्छी हैं डू स्टडी दैम एक बार देखना ज़रूर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पन्ने पलट के पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ पे क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देन वो बताएं सब देखो यार कोई सब्सटीट्यूट पूछोगे तो फिर तो सब्सटीट्यूट तो क्या होता है बुक्स तो बुक्स रहेंगी ही सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है उसके साथ आपको न्यूज़पेपर मैगजीन है तो हर कोई बोलता है एन तो ऑब्वियस है ना वो तो पता ही है सबको ठीक सी तो करनी ही करनी होगी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई करें ना करें बुक्स में कवर्ड है क्लास में होता है नहीं। भाई पढ़ लेना प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लेना ठीक है जी फिर क्वेश्चन आएगा कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है कौन सी बेटर है कौन सी खराब है तो भाई सेम क्लासेस सेम टीचर सेम हैंडउट सेम बुक सेम डाउट क्लियरेंस सब कुछ सेम है सेम टेस्ट सीरीज डिफरेंस क्या है ये है माहौल का इट डिपेंड्स आप कैसे बंदे हो अगर तो आपको है कि नहीं मेरे को इंट्रैक्शन चाहिए टीचर से फेस टू फेस इन फिजिकल फॉर्म तो तो भाई ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा अगर आप डेडिकेटेड हो आपको प्रॉब्लम नहीं है आप घर पे कर सकते हो तो वो कर लो ना यार दिक्कत क्या है बाहर का खर्चा बच जाएगा आपका आपके एक्सपेंसेस कम रहेंगे तो आप घर पे भी रह पाओगे घर वालों को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू मेरे को चाहिए था इंट्रेक्शन मेरे को थोड़ा सा माहौल चाहिए था तो मैं तो ऑफलाइन बैच के लिए ऑप्ट किया था करेक्ट उसके बाद आता है कि आपके पोर्टल पे आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है देखो एक तो आपकी क्लासेस आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी जैसे आपकी सपोज़ गलती से कोई क्लास छूट गई तो वो आपको पोर्टल पे मिल जाती है फॉर तीन टाइम आप उस क्लास को देख सकते हो उस आर्स के हिसाब से वो दे देते हैं ठीक है उसके बाद हैंड जो मैंने आपको बताया वो पोर्टल पर सॉफ़्ट कॉपी में भी होते हैं और जो ऑफलाइन वाले हैं वो हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे आंसर राइटिंग मिलेगी वहाँ प्रैक्टिस होती है पोर्टल पर क्वेश्चन आते हैं आपको अपलोड करने हैं वो आपको फीडबैक देंगे मेंटोरशिप भी आपको वहाँ पे मिलेगी और करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड होती हैं हफ्ते में दो या तीन तो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टीचर्स भी बता देंगे क्लास में वो ज़रूर देखनी है उसके वहीं पे कई पे नोट्स होते भी हैं किसी के नहीं भी होते हैं तो हैंड रिटन नोट्स बना लेना ठीक है जी देन कम्स अबाउट टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज़ का क्या सीन है अब लोगों को लगता है कि जैसे हम बाहर भी देखते हैं मेन्स टेस्ट सीरीज़ या फिर प्री की टेस्ट सीरीज़ बहुत चलती हैं करेक्ट जैसे आ, अपना फॉर्म आइए इसके लिए मेन्स की बहुत ज़्यादा चलती है करेक्ट ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी चलती रहती है विजन की हमारी बहुत अच्छी चलती है प्री के लिए वो आप करो नो डाउट कोई दिक्कत थोड़ी ना है बट आपको वाजीराम भी प्रोवाइड करता है लोगों को कईयों को हमें भी एज अ स्टूडेंट एक बार के लिए नहीं था कि वाजीराम मीन्स की भी देता है तो हमने भी ऑप्ट कर ली बाहर से बाहर से भी कर सकते हो अच्छी प्रैक्टिस होगी बट इट इज़ अब इट एक्सपेंसिव तो हर एक की कप ऑफ टी नहीं है तो आपको देखना है कि वाजीराम आपको दोनों टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा प्री एज वेल एज मीनस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके खुद के उसी वन लाख या जो भी आप चूज़ करते हो उसके अंदर फिर अब बात आती है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था भाजीराम मंडल का देखो मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले मेंटोरशिप अच्छी हुई दोस्त बहुत अच्छे मिले दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसे बनाते हो ठीक है मेरे को कोई कमी नहीं लगी पर मैंने कुछ जो गलतियाँ करी हैं जिस वजह से मैं उस हिसाब से फ़ायदा नहीं उठा पाया कि जो मेरे को छोड़ना पड़ गया मतलब था ए वाला अटैम्प्ट वो मेरे को पता है और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ एंड आई विल श्योरली टेल यू की आप लोग जाने से पहले पहले वो वीडियो ज़रूर देखना कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं उसको हर हफ्ते में देखना भाई एक बार नहीं तो हम बार बार रिपीट दिमाग में होता है पर हम रिपीट करते हैं उन गलतियों को उसके लिए आई एल बी मेकिंग अ न्यू वीडियो फॉर इट सो फॉर दैट काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर अच्छा लगा हो तो बेलाइकन दबा देना लाइक कर देना नमस्ते जय हिंद थैंक यू